तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक है। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि हम लर्नर टेस्ट देते हैं, इसमें अगर फेल कर जाते हैं तो हम दोबारा कैसे उसको एग्जाम देंगे वो जानेंगे। तो गाइस, इसके लिए हमें आपको बता देते हैं, इस वाले साइट पर आना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से भी अगर नहीं आ पाते हैं तो आपको सिर्फ क्रम ब्राउजर में या तो कोई भी ब्राउजर में ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है परिवहन गवर्नमेंट इन। तो गाइस, इस वाले साइट को सर्च कर लेना है आपको। तो गाइस, हम यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले साइट पे। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस, हमें यहाँ अपना स्टेट चॉइस करने के लिए बोलेगा, तो हम झारखंड से झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद में आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप कितने बार एग्जाम दे चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन भी स्टेटस चेक करा के दिखा देते हैं आपको, ताकि आप भी यकीन कर पाओ। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है अपना। तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। तो गाइस, यहाँ कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम। तो गाइस, ये देखिए आरटीओ में ये फोटो क्लिक हुआ था, तो अब यहाँ पे फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। और गाइस, जब तक आप आरटीओ नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पे फोटो शो नहीं करेगा। तो गाइस, हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी पेमेंट मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग का जो टेस्ट था वो पास नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिर से पेमेंट करना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो गाइस, आप यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का जो फी है उसको फिर से आप यहाँ से जमा करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इन्होंने फेल किया हुआ है तो उसका भी नंबर दिया हुआ है कि एक बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है एग्जाम। तो गाइस, इनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से फी पेमेंट यहाँ पे क्लिक करते हैं। गाइस, यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पर फिर से ओके करते हैं। तो गाइस, वहाँ से डायरेक्टली नहीं हुआ आपको देखे, तो गाइस वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट पे नहीं गया और आपको इस तरह डैशबोर्ड में आ फेंका। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है रीटेस्ट फी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हमें एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है, तो यहाँ पे डाल लेते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो हम फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू कैलकुलेशन फी। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट दिखा देगा कितना का पेमेंट है। तो गाइस, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जेई ग्रास पे। उसके बाद में कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को डाल देंगे हम सेम टू सेम। यहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं कैप्चा कोड में तो यहाँ पे लॉग इन नहीं होगा, यहाँ पे पे नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पे हम डाल लिए कैप्चा कोड। उसके बाद में हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद में हम आई एग्री है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से क्लिक कर देंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो गाइस, हमें यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे लेके आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग के एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, वे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो गाइस, हम यहाँ आई एग्री है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे गाइस लॉगिन है इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे SMS के थ्रू या तो ईमेल के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे SMS के थ्रू ही हम पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे SMS सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ये डाल लेते हैं। उसके बाद गेट ओटीपी है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको बता दे एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे यू हैव ऑलरेडी यूज मोबाइल नंबर इतना फॉर 3 टाइम पेमेंट, प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ इन जगह से। तो गाइस, यहाँ पर मेरा इस वाले नंबर से 3 बार पेमेंट हो चुका है, तो गाइस इस वाले नंबर से नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ये वाला। तो गाइस, एक नंबर से आप 3 ही बार पेमेंट कर पाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दूसरा नंबर चेंज कर लेना है। तो गाइस, हम यहाँ पे अपना नंबर चेंज कर लेते हैं, ये वाला डालते हैं। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे मेरा ओटीपी चला गया, अब यहाँ पे ओटीपी डालेंगे हम। तो यहाँ पे हम ओटीपी डालने के बाद भी यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो गाइस, यहाँ पर एक पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे एक SBI ईपे है, तो हम SBI को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे लेके आएगा। और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट पे, यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ लेके आएगा, तो यहाँ पे UPI सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बारकोड को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक बारकोड आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पे नाउ पे। तो इस बारकोड में हम फोन पे या पेटीएम के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिक
प्रोग्रेस स्टार्ट है, तो ये डन हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे या तो हम इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर देना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।